नमस्कार। रोज की तरह जी बिजनेस पर सैमको के द्वारा प्रायोजित सेगमेंट होता है जिसका नाम है मिशन एज दी इंडेक्स। सैमको ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं और उनके बनाए गए टूल्स का इस्तेमाल करके इंडेक्स से बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके कल के इंडेक्सेसर रहे विशंबर लाल कामरा जी, आपके शानदार प्रदर्शन के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं। काफी बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर आपकी तरफ से देखने को मिला है और दर्शकों को बता दूं कि इंडेक्स के मुकाबले सर का जो प्रदर्शन है वो आउट परफॉर्मेंस है करीब करीब 18.79% का, तकरीबन 19% का आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिला है। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि कैसे आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया इंडेक्स के मुकाबले 19% का आउट परफॉर्मेंस। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जी बिजनेस और सैमको सिक्योरिटीज को, जिनके थ्रू मुझे यहाँ पे बात करने का मौका मिला। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले 10 साल से मैं टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट पे काम कर रहा हूँ और इसमें मेरा काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। सैमको सिक्योरिटीज जो इसका इंडेक्स का एक वाला प्लेटफॉर्म तैयार किया वो बहुत अच्छा, इसमें टेक्निकली वाश आउट करने को मिल जाता है। तो मेरे को लगा कि ये जो मार्केट चल रहा है ये बहुत अच्छा है, अगर आपको टेक्निकली काफी समझ है तो इसका पैसा बनाया जा सकता है। ओके, तो आप बता रहे हैं कि टेक्निकल्स की समझ का आपको काफी बढ़िया, टेक्निकल एनालिसिस को बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी के माध्यम से ट्रेड्स लेते हैं या फिर कोई और रणनीति भी है? हाँ, मेरी हार वाली स्ट्रेटजी है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसमें वर्कआउट करता हूँ। ओके ओके, और जैसे कि मैं आपके कल के ट्रेड्स भी देख पा रहा हूँ, इसमें समझ में आ रहा है कि अधिकतर जो ट्रेड्स हैं आपके बैंक निफ्टी में और वो भी तेजी की तरफ के हैं। क्या व्यू रहा था आपका निफ्टी बैंक को लेकर, और क्या सिर्फ आप इंडाइसेस में ही ऑप्शंस के माध्यम से ट्रेड करते हैं या फिर स्टॉक स्पेसिफिक भी अप्रोच होती है? नहीं, मैं इससे ऑप्शन बायर हूँ, तो काफी लंबे समय से इसके ऑप्शन बाइंग से मतलब कर रहा हूँ। जो टेक्निकली व्यू है मेरा इसमें, मैंने काफी पहले इसमें वॉच आउट कर लिया था कि इसका टारगेट रहेगा 45,200 का बैंक निफ्टी का, जो उसके अकॉर्डिंग मैं कॉल बैंक पे ही वर्कआउट कर रहा हूँ। तो सर क्या मेरा ये मानना है कि अगर इसमें आपको टेक्निकली अच्छी समझ है तो इसमें ऑप्शन बाइंग में भी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। बिल्कुल, तो ऑप्शन बाइंग की रणनीति पर फोकस रहता है आपका, तो फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करते हैं और स्टॉक से भी दूर रहते हैं, राइट? स्टॉक्स पे भी करते हैं लेकिन कम करते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग में ज्यादा करते हैं। ओके, ऑप्शंस आपकी, और दिन के दौरान आपके तकरीबन कितने ट्रेड्स हो जाते हैं? मेरे हो जाते हैं तकरीबन 5000 क्वांटिटी डेली के हो जाते हैं इसमें। ओके, 5000 क्वांटिटी तक ट्रेड कर लेते हैं। क्या व्यू आपका सिर्फ इंट्राडे तक सीमित रहता है या फिर पोजीशंस को होल्ड करने में कोई संकोच नहीं है? इंट्राडे ज्यादा करता हूं मैं। ओके, इंट्राडे डे इन डे आउट यहां पर स्क्वायर ऑफ दिन के दौरान ही पोजीशंस कर देते हैं और परफॉर्मेंस आपकी तरफ से काफी बढ़िया देखने को मिला था। अच्छा, कल का प्रदर्शन तो काफी बढ़िया था, आज के अगर आप मैं ट्रेड्स देखूं तो थोड़ी सी मिक्स्ड रणनीति नजर आ रही है। आपने कॉल ऑप्शन भी बाय किए दो लॉट और साथ में अगर आप देखें तो कुछ पुट ऑप्शंस भी आपने बाय कर रखे हैं। क्या व्यू है आपका इस रणनीति पर? पुट ऑप्शन भी बाइंग की थी लेकिन कॉल ऑप्शन में अभी अच्छा पोजीशन बना हुआ है बाइंग का, यहाँ से मार्केट टर्न अराउंड होने वाला है ऊपर की तरफ। ओके, ये अच्छा मौका यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो व्यू आपका, उम्मीद है कि बाजार यहाँ से टर्नआउट करेगा। काफी बढ़िया आउट परफॉर्मेंस आपका कल की इंडेक्स की स्ट्रेटेजी पर देखने को मिला। शुक्रिया सर जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए, और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।